चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाय वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेटर देन हिज यूजुअल टाइम। फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द ऑफिस। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको भी अभी मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसको ट्रिक के बेस पे ही बनाएंगे, सॉल्व करेंगे इसको ट्रिक के बेस पे। By walking at 3/4 of his usual speed, मतलब जिस स्पीड से उसे वो जाता है, हमेशा जाता है, उसका उसने 3/4 स्पीड यूज किया। A man reaches his office 20 minutes later than his usual time. तब वो आदमी क्या है कि अपने ऑफिस में यूजुअल टाइम से, जिस टाइम में उसको पहुंचना चाहिए, उस टाइम से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द ऑफिस। तो उसको ऑफिस पहुंचने में जो यूजुअल टाइम लगता है वो कितना टाइम लगता है, ये हमें निकालना है। अब इसको अगर हम ट्रिक मेथड से बनाते हैं, एक बार और क्वेश्चन समझ लेते हैं कि जिस बाय वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, सामान्य स्पीड के 3/4 गुने स्पीड से जाने में एक मनुष्य को उसके ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो मनुष्य, ये बताइए कि उस आदमी का यूजुअल टाइम ऑफिस जाने में कितना लगता होगा। अभी हमने ट्रिक क्या पढ़ा था, ट्रिक ये पढ़ा था कि यदि किसी आदमी का स्पीड का रेशियो A:B है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, B:A हो जाएगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, मतलब इसका इनवर्स, इसका रिवर्स हो जाएगा, ऑलरेडी हमने पढ़ा था। तो अगर वो आदमी अपने यूजुअल स्पीड के 3/4 स्पीड से जाता है तो उसका नया स्पीड क्या हो जाएगा, न्यू स्पीड इज इक्वल टू 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड। मतलब यूजुअल स्पीड जो था उसका, उस यूजुअल स्पीड के 3/4 गुने भाग से वो जाता है, 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड। तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा, देयरफॉर न्यू टाइम टेकन, मतलब नया जो टाइम लेगा वो कितना हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी बताया है, ऑलरेडी आपने इस ट्रिक को पढ़ा है कि अगर डिस्टेंस में, स्पीड में A:B का रेशियो है तो टाइम में B:A का रेशियो हो जाएगा। मतलब 3/4 का रेशियो है तो टाइम में क्या हो जाएगा, 4/3 ऑफ यूजुअल टाइम। अब ये 4/3 जो यूजुअल टाइम है, ये 4/3 ऑफ जो यूजुअल टाइम है, वो यूजुअल टाइम के, यूजुअल टाइम जो उसको टाइम लगने चाहिए उससे 20 मिनट ज़्यादा है। तो जब 20 मिनट ज़्यादा है मींस कि 4/3 ऑफ यूजुअल टाइम माइनस, अगर हम इसमें से यूजुअल टाइम को हटा देते हैं, यूजुअल टाइम माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मिनट। मीन्स कि 4/3 ऑफ यूजुअल टाइम माइनस यूजुअल टाइम, मतलब 1/3 ऑफ यूजुअल टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट। मतलब यूजुअल टाइम का 1/3, 4/3 माइनस कितना, 4/3 माइनस 1/3 ऑफ यूजुअल टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट। मीन्स इसका यूजुअल टाइम क्या हो जाएगा, 20 × 3 = 60 मिनट। मतलब उस आदमी को ऑफिस जाने का यूजुअल टाइम जो था वो 60 मिनट उसे लगते थे सामान्यतः, जो अगर इस स्पीड से वो चला 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड तो उसको 80 मिनट लग गया, मतलब 1 आवर इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स
वेरी सिंपल, थोड़ा सा आपको अपने माइंड को यूटिलाइज करना है, ट्रिक को याद रखना है, इसको आप एक्सप्लेन करके भी बना सकते हो। पहले आप स्पीड x मान लीजिए, तो जब स्पीड x आप मान लेंगे तो 3/4 उसका स्पीड हो जाएगा, और फिर उसमें डिस्टेंस निकाल के इसको आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ बनाना है, तो हमें केवल ट्रिक याद रखने की ज़रूरत है।